कोशिश कर रहे हैं हमारे रेस्क्यूर से, बैग में बाहर डाल रहा है। तो अब अपने उसका रेस्क्यू कर लिया है और अब उसे हम जंगल में रिलीज करेंगे। तो वीडियो बने दोस्तों, कहीं जाए ना। दोस्तों YouTube चैनल स्वागत है, आप देख रहे हैं पदम सिंह ऑटो YouTube चैनल। तो दोस्तों सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और हमारे पास रेस्क्यू कॉल आए थे रामा फैक्ट्री से। वहाँ पर कोई कमरे के अंदर लेबर का जो कॉलोनी बना रखी है उन लोगों ने, उसके अंदर कोई कमरे के अंदर सांप बैठा है और उसने कुछ शिकार करा हुआ है, उनका ऐसा मानना है। तो वहाँ चलकर ही देखेंगे कौन सा सांप है। तो वीडियो में कहीं जाए ना, हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। मैं आपको एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस सर, एड्रेस लगभग उदयपुर से 16 से 17 किलोमीटर दूर उमड़ा गाँव का, उमड़ा कानपुर गांव करके है। उसमें कोई रामा फॉस्फेट करके कंपनी है, उसके अंदर सांप आया है। तो लगभग हमें अभी तो हम थोड़ा पास पहुंच गए हैं, लगभग हमें आधा घंटा हो गया है चलते चलते, देखते हैं 15 मिनट में हम पहुंच भी जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों वहीं पर। तो दोस्तों अभी हम फाइनली यहां पहुंच चुके हैं, आप देखते रामा फैक्ट्री का बोर्ड लगा हुआ, यहां पर हम बाहर खड़े हैं। लगभग आधे घंटे में देखते हैं कौन सा सांप है, आप वीडियो में भी जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पर पहुँच चुके हैं फाइनली, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर चलने के बाद फैक्ट्री में अंदर। हमारे साथ गोविंद जी यहाँ पर प्रेजेंट है, काफ़ी देर यहाँ पर घूम चल कर आना पड़ा। रूम इस रूम के अंदर है, नीचे होगा इसके नीचे कोने में। तो ये एक बेड के नीचे बैठा हुआ है, एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा जिसे लोग आम भाषा में नाग कहते हैं और साइंस नेम इसका नाजा नाजा। तो ये एक वेनम स्नेक है यानी जहरीला सांप, इसमें न्यूरोटॉक्सिक वेनम पाया जाता है। और आपको अगर जहरीले सांप ने काटा है तो आपको सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुँचना जल्दी हो सके तुरंत, और इन बाबाओं इन ओझाओं के चक्कर में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि लोग अक्सर अंधविश्वास के चक्कर में आ जाते हैं। और अगर आप समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंचते तो इंसान की मृत्यु जाती है, इसलिए आपको बिना टाइम वेस्ट किए हॉस्पिटल पहुंचना है। और अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि वो जहरीला सांप है या बिना जहरीला सांप है, तो सबसे पहला काम तो यही करना है कि आप हॉस्पिटल पहुंचना है दोस्तों तुरंत, जितना जल्दी हो सके। फिर आप हमें फ़ोटो भेज दीजिएगा, हमारे हेल्पलाइन नंबर नीचे, आप किसी पर भी व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको तुरंत बता देंगे कि वो जहर वाला सांप है या बिना जहर वाला। बिल्कुल भी घबराना नहीं है आपको। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें और लोगों से भी कराएं, ताकि जो लोग स्नेक बाइट से मर रहे हैं वो मरे नहीं, हमें कॉल करें। और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारा अगला जो वीडियो आने वाला हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। मैं इस सांप की आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूं दोस्तों, ये एक इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है जिसे लोग आम भाषा में नाग कहते हैं, साइंस नेम इसका नाजा नाजा। और इसे चूहे खाना काफ़ी पसंद है, पर इसका जो सबसे मन पसंदीदा भोजन है वो है दूसरे सांपों को खाना। और अगर आपको देखना है कि कोबरा दूसरे सांपों का शिकार कैसे करता है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों कोबरा एक चीज़ के लिए और बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका ये हुड आप देख सकते हैं, अभी ये हुड बनाकर बैठा हुआ है। इसे जो से लोग आम भाषा में फंड बनाना कहते हैं, हमारे यहाँ लोकल भाषा में उसे फंड वाला सांप कहा जाता है कोबरा को। आप देख सकते हैं अभी ये हुड बनाकर बैठा हुआ है। तो कोबरा ही एकमात्र सांप है जो हुड बनाता है, और कोई सांप आपको कभी हुड बनाते हुए दिखेगा नहीं। और जैसे ही आप इसके नज़दीक जाएंगे ये हुड बनाकर बैठ जाएगा, और आपको कभी भी सांप पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। अनु लोग होते हैं जो छोटा ही सांप है चलो पकड़ लेते हैं, वो जहरीला हो सकता है दोस्तों, इसलिए आपको कभी भी सांप को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है। और आपको सांप दिखे आपके घर के आसपास या घर के अंदर तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं और गूगल पर भी वाले और इंस्टाग्राम पर भी। और कोई भी स्नेक रेस्क्यू करता हो तो उससे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रेस्क्यू करना चाहना। अगर वो वेनेमस स्नेक है तो स्नेक बैग और स्नेक हुक उसके पास होना बहुत ज़रूरी है, और कोशिश करें कि इसे बिना हाथ लगाए स्नेक बैग में डाल दें। नॉन वेनेमस स्नेक है तो आप रिवर्स बैगिंग का पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रिवर्स बैगिंग का पैटर्न नहीं पता तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उससे काफ़ी तरीके से आपको बताया जाएगा किस तरह से रिवर्स बैगिंग की जाती है। और वेनेमस स्नेक का तो आपको पता ही है, मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूँ, उसमें बताता हूँ कि सांप को ज़रूरी नहीं आप पकड़ कर उस बैग में डालें, कभी कभी होता है।
कि आपको स्नेक को पकड़ना पड़ता है, पर अनुम कोशिश रहती है कि हम अरे इस सांप को बिना पकड़े ही बैग में डालते हैं। तो दोस्तों अब हम इसे रेस्क्यू करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब हम इसे बाहर निकाल कर जंगल में आपके सामने सुरक्षित रिलीज़ करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों चलिए रेस्क्यू करते हैं इसका। हमारा मकसद रहता है कि हम बिना छुए ही सांप को इस बैग में डाल दें, जिससे उसे भी कोई प्रॉब्लम ना हो और ना ही हमें हो। आप देख सकते हैं दोस्तों लगातार वो अटैक कर रहा है बैग के ऊपर। उसे ऐसा लग रहा है कि हम उसे हानि पहुंचाना चाह रहे हैं, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। कोशिश कर रहे हैं हमारे रेस्क्यूअर उसे बैग में बाहर डाल। तो हम स्नेक हुक के जरिए इसे बाहर निकाल रहे हैं और बाहर निकाल कर सीधा बैग में डाल देंगे। हुक का जरिए इस्तेमाल करके बैग में डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हो लगातार वो अटैक कर रहा है बैग के ऊपर, काफ़ी गुस्से में है, तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। हुक का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे रेस्क्यूअर गोविंद जी। इसने चूहों का शिकार किया हुआ है दोस्तों, तो अभी इसे ज़्यादा परेशान बिल्कुल नहीं करना है, और ताकि ये इसका शिकार वापस बाहर ना निकाले, इसलिए हम तुरंत इसे बैग में डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, पर ये जा नहीं रहा है। तो फाइनली हमने इसे बैग में डाल दिया है, कि मैंने बताया था कुछ चूहों का शिकार किया हुआ था, अगर ज़्यादा देर उसे इस तरह से परेशान करते तो शायद वो अपना शिकार बाहर निकाल सकता था, वो हम नहीं चाहते। तो यहाँ पर भी खतरा होता है दोस्तों, तो आपको हमेशा सेफ्टी बरतनी है। मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उसी तरह से करना है। स्नेक हुक को बीच में रखना है, एक पैर को स्नेक हुक के ऊपर रखना है और इस तरह से गिटार मार देनी है ताकि स्नेक बाहर ना निकले, और फिर उसे बैग में डाल देना है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं रिलीज़ वीडियो में। तो अब हम रिलीज़ पॉइंट पे आ चुके हैं, ये काफ़ी अच्छा रिलीज़ पॉइंट है और कोबरा के लिए बिल्कुल परफेक्ट है रिलीज़ करने के लिए। काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का आसपास का, और यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। हम स्नेक को वही रिलीज़ करते हैं जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, ताकि स्नेक को भी कोई दिक्कत ना हो और इंसान को भी। तो अभी से हम जंगल में रिलीज़ करने वाले हैं। ये इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है, जिसे लोग आम भाषा में नाग कहते हैं। इसका हमने उमाड़ा और रामा फैसिलाइट से रेस्क्यू किया था। आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा अभी भी गुस्से में है ये। तो आप देख सकते हैं हमने पूरी तरह से इसे रिलीज़ कर दिया है, पर अभी भी ये बैठा हुआ है यहाँ पर, आगे जा नहीं रहा है। थोड़ी देर बाद ये खुद अपने आप आगे चला जाएगा, हम इसे अभी परेशान नहीं कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वो जंगल में जा चुका है, ऊपर तक ले ले। नीचे बेटा। तो दोस्तों हमने फाइनली इसे रिलीज कर दिया है जंगल में, आप देखते हैं प्रॉपर जंगल के अंदर। तो हमारी कोशिश थी कि जिस शाक शिकार को कोबरा ने निकला हुआ था वो बाहर ना निकले, और बिल्कुल उसे प्रॉपर तरीके से हमने रेस्क्यू किया और फिर बैग में डाल दिया। तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी जगह जी को बचाते। आज के लिए इतना ही।